ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दैनिक महाभाग्यशाली राशियां। 27 मार्च 2019 बुधवार का दिन है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है जो कि रात 12:19 तक रहेगी। उसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। शीतला अष्टमी रात 12:19 के बाद में प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन पूरे दिन शीतला सप्तमी का महापर्व मनाया जाएगा। इस दिन भी शीतला माता का पूजन अर्चन किया जाता है और शीतला माता की कथा भी श्रवण की जाती है। हमने आपके लिए शीतला माता की कथा का एक विशेष वीडियो अपलोड किया है, उसको आप जरूर देखिएगा, जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। इसे बासोड़ा पूजन भी किया जाता है। संतान की लंबी आयु के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, संतान की उन्नति और प्रगति के लिए शीतला माता का व्रत पूजन एवं कथा का श्रवण किया जाता है। 27 मार्च को दिशाशूल उत्तर दिशा में रहेंगे, इसलिए उत्तर दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी माना जाएगा। यदि किसी कारणवश उत्तर दिशा की यात्रा करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तो धना खा करके यात्रा कर सकते हैं। राहु काल जो कि दोपहर 12:00 से 1:30 तक रहेगा, इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक या नया काम आपको नहीं करना चाहिए। ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव मीन राशि में, चंद्रमा वृश्चिक राशि में दोपहर 12:11 तक, उसके बाद धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल जो कि वृषभ राशि में, बुध कुंभ राशि में, गुरु वृश्चिक राशि में, शुक्र कुंभ राशि में, शनि धनु राशि में व राहु मिथुन राशि में एवं केतु धनु राशि में रहेंगे। इस ग्रह गोचर के अनुसार इन 5 राशि वालों की हर एक मन की जो कामना होगी वह पूरी हो जाएगी, इनकी सारी मुरादें पूरी हो जाएगी। ये 5 राशियां इस प्रकार है, मिथुन सिंह तुला कुंभ और मीन, इन 5 राशि वालों की हर एक मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली है। इनके मन की जो भी इच्छाएं होगी, जो भी अभिलाषाएं होगी वह अवश्य ही पूर्ण होने वाली है। तो मित्रों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।